नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया था, बेस को यहाँ पे क्लियर करने के बाद प्राइस के लिए जो ब्लैक लाइन था ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। जैसे कि देखिए, प्राइस जब भी इस ब्लैक लाइन को टेस्ट किया है, प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। एंड फाइनली स्टॉक का प्राइस के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना था ब्लैक लाइन, प्राइस देखिए उसको आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया है। एंड जिस टाइप का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड प्राइस जिस टाइप का एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ उसका प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, उसके साथ उसका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी केस में दिस हायर हाई फॉर्मेशन का जो स्विंग लो बन रहा है 342, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। एंड जिस टाइप का एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया है विथ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, पोटेंशियल हाई के आउट परफॉर्मेंस का, उसी केस में टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को, क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम फिबोनाची को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, 470 का। जो सेकंड टारगेट बनेगा 2.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, 610 का। पोटेंशियल हाई है कि जिस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग बेस को ब्रेकआउट किया है, आने वाले टाइम में 470 610 को टेस्ट कर सकता है। उसी केस में प्रीवियस स्विंग लो 342 बनेगा स्टॉप लॉस। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, सेल्स देखिए 652 करोड़ से जंप किया है 680 करोड़ तक। नेट प्रॉफिट पे 26 करोड़ से जंप किया है 28 करोड़ का। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए, मेजॉरिटी होल्डिंग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं प्रोमोटर, जो कि पॉजिटिव साइन है, एंड 59% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। एफआई होल्ड कर रहे हैं 3.5%, डीआई यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं नियरली 15.26%, एंड डीआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं 13.49% से डीआई इंक्रीज करके अभी होल्ड कर रहे हैं 15.26%, एंड पब्लिक के पास माल है ओनली 22%, जो कि मैनेजेबल क्वांटिटी है। उस हिसाब से आपका रिस्क को एंड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल से समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।